हिस्ट्री मिली तो इसमें जब मुझे कौमी असेंबली और सेनेट से मौका मिलता है दोनों को मुझे करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है बीच में चार दिन भी मिलते हैं किसी डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट, कुछ तो मैं डिवीजन लेवल पे गया और अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन लेवल पे एक खुली कचहरी में हो जाता है सारा कुछ करना। तो पिंडी में मैंने ड्यूटी किया, मरदान में जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं कर चुका हूँ, इस्लामाबाद में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल खुली कचहरी। मैं यहाँ बेसिकली आने का मकसद ये होता है कि मेरे ऑफिस में तकरीबन रोज़ ही खुली कचहरी होती है। कल मैं 8 बजे उठी, 7:30 बजे उठा था, लेकिन ऐसे होते हैं जो इस्लामाबाद पी एम हाउस खुद नहीं आ सकते, उनके पास नहीं। हमारी मेरी सोच ये है, उस पर मैंने फिर कहा कि मैं जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि कुछ लोग आ सकते हैं उनको डोर स्टेप पर जाके, इट विल बी सर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट योर डोर स्टेप, बिकॉज पी एम साहब कांट गो टू एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी खुली किचन। सो ऑन बिहाफ ऑफ हिम, वी एंड यू, यू ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यू आर द एग्जीक्यूटिव आर्म, आप में से हर जो है वो मुल्क का एक वज़ीर एक ओहदा, और अल्लाह ताला हमसे हमारे ओहदे का पूछेगा। और जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा रहे थे तो जो आखिरी दो अल्फाज पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बार बार अदा किए तो वो क्या थे, अस्सलाह व मा मलकत अय, बार बार वो यही फरमा रहे थे कि अस्सलाह व मा मलकत अय, मुसलमानों ऐ लोगों नमाज नहीं छोड़नी और तुमसे तुम्हारे दाएँ हाथ के पूछा जाएगा। तो दाएँ हाथ का मालिक कौन है, सबसे पहले हमारे बच्चे, हमारे ख्वातीन, हमारी वाइफ, हमारी बहनें, हमारी माँ, और उसके साथ साथ हमारे जो नौकर वो सर्वेंट्स जो हम करते हैं जो अल्लाह ताला ने, और कुछ नहीं पता होता कि वो शख्स जो है वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है और जो तनख्वाह ले रहा है। तो इसी तरह से डीसी साहब का जो है उनके दाएँ हाथ का मालूम कपूर, इसी तरह डीपीओ साहब का, इसी तरह किसी एग्जीक्यूटिव किसी का एसको का किसी भी इलेक्ट्रिसिटी स्विच गैस का। सबसे पहले तो गाइडलाइंस जो हैं थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, जो मसले हैं, एक तो जो लो लेवल रिस्पॉन्स, कुछ ऑफिस से लो लेवल रिस्पॉन्स आता है वही वो ब्यूरोक्रेटिक्स सब चला जाता है, उसके जवाब में ब्यूरोक्रेटिक्स आ जाता है, उसमें हम इसको नहीं, इस तरह नहीं, वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी हर एक इशू को क्या, उसको हम एक एंड तक पहुँचाएँ, हम एक कोशिश करें, हमारा काम इंसाफ वही दे सकता है, हम कौन और हमारा इंसाफ क्या। लो लेवल रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी सूरत में अब एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ शेख आफ्ताब साहब छोड़ के गए थे, मेरे तो सीनियर भी हैं, मेरी जो पहली जो कॉल आई थी मुबारकबाद की वो शेर साहब की थी, बड़ी गर्म का होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं उसको उससे कम अज़ कम आगे ले जाना चाहता हूँ। तो लो लेवल रिस्पॉन्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आप वहाँ पे जाके इस मसले को आखिर हद तक पहुँचा के खत्म की कोशिश ज़रूर कीजिए जहाँ तक आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कि पी एम साहब की कंसर्न इंप्रूव, पी एम हैज़ शोन कंसर्न ओवर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अफेयर्स, द ग्रीवेंसेस ऑफ जनरल पब्लिक बी एड्रेस्ड एक्सपीडिशियसली, साफ अगर करना भी है तो जल्दी करें। अपॉइंटमेंट ऑफ जो हर डिपार्टमेंट की तो शायद नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टी चार मेन ऑफिस में स्पेशली डीसी साहब और डीपीओ साहब को कोई पर्सन होना जरूरी चाहिए जिसको आप हमारे ऑफिस में टच कीजिएगा, हमारे इधर हमारे ऑफिस के स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं, वो पर्सन होने चाहिए ताकि वहाँ अगर कोई ग्रीवेंस आती है तो बजाय डीपीओ साहब को या डीसी साहब को कॉल की जाए, उनको जो है 50,000 मसले होते हैं, कभी आप मीटिंग में, कभी आप बाहर हैं, कभी आपकी अपनी खुली, हैज़ टू बी अ फोकल पर्सन हु शुड बी इन टच विद द पीएम ग्रीवेंस लाइन ताकि सहूलत हो काम करने में। Essential information for public, government offices of Punjab district Attock must display the information printed on hard books of general public about procedure, requirements and fee structures for different departments in the name of authorities to be contacted in case of any difficulty. आप एक अपना किसी भी जो आपका ऑफिस डीपीओ डीसी की नहीं, वहाँ आपके जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो सीएस है, जो हमारा नागरा है, पासपोर्ट है, कोई और ऑफिस, आपके कम से कम कोई एक जगह पे एक हार्ड बोर्ड कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि इस चीज़ का ये फीस है, इस टाइम पे ये होगा, चीज़ हैं जनरल जहाँ पे एक आप एक डेस्क करके कुछ आप डिफ्यूट कर सकें, जहाँ लोगों के कुछ मसले आते हैं तो बजाय इसके कि वो लोकल काउंसिल एमएनए लोकल एमपीए साहब के पीछे वो उसको साथ लेके आएँ, क्या बेहतर नहीं है कि हमारे अपने ऑफिस में एक डेस्क है, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल एज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग अ मिनिस्टर आई एम आल्सो एन एमएनए, क्योंकि एमएनए नहीं बन सकते, बेसिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का है। तो अगर लोगों को फैसिलिटेट करें तो हमारे एमएनए एमपीए साहब जो होते हैं वहाँ लोगों का रश कम पड़ेगा, उन मसाइल का जो वहाँ पर लोग जाके करते हैं उनको पोलिटिकल यूज करते हैं, एक छोटे से काम के लिए एक मिनट के लिए लोगों के घरों पर पार्टियों के झंडे आते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे ऑफिस में कोई ना कोई डेस्क, कोई ऑफिस ऐसा जरूर होना चाहिए, मेन जो पब्लिक ऑफिस है ना जहाँ पे लोगों शूज सुने जाएं, कोई अफसर हो, खासकर जो हमारे मेन अफसर हैं डीसी साहब, उनको भी ये हिदायत, तीन चार डिस्ट्रिक्ट हेड के ऑल द कंसर्न्स
council allocate an hour on a daily basis to public for redressal of the grievances. The specific time may also be for the formation of the general public. कि आप कोई वैसे तो जो मैंने देखा district में गया हूँ, अगर ये देखा है कि हमारे deputy commissioners, DPOs और district heads of other departments, they are investing more than an hour. कि अगर उनका कोई duty बाहर नहीं है, कोई और duties नहीं है, तो दिन में 2 घंटे उनके 2-3 घंटे तो लगे public grievances में. फिर भी आप एक जरूर डिप्यूट के लोगों को पता हो क्या में हमने आना है ताकि रोज के मसाइल हल हों. जब यहाँ से पीएम ग्रीवेंस विंग या सी के पास सीएम कंप्लेंट सेल में कंप्लेंट होती जाएंगी और इट हैपन इन अ डे वी नीड टू कंटिन्यूसली डे बाय डे पांच वक्त नमाज पढ़ने का मकसद था कि आप एक दिन पढ़ के हमने ये रोज का काम है जब तक ड्यूटी है हम इंशाल्लाह करेंगे. लेट्स स्टार्ट जी. हमारे पास मेरे डीपी और डी इंपॉर्टेंट वो साहिल है और उनसे ज्यादा मुअज्जल है तो उसको सबसे पहले उसके बाद उसे बात करेंगे. तो अभी मलिक नजाकत साहब आप हैं, नसीम साहब आप हैं, आप काम से निकल रहा है तकरीबन 5 किलो से ज्यादा काम लिए 6 प्लान सोने के लड्डू में लगे हुए रात दिन काम करते हैं और इंक्वायरी हुई है लाहौर से हमारी टीम आई थी दरखास्त पे उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वो ये अभी तक नहीं रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा कि ठेका लीगल दिया है इन्होंने ठेका अनलीगल दिया है. थोड़ी जी अंग्रेजी कुछ भी नहीं रहता हूँ 800 फिलहाल डैम फंड में दे दे और इन चोरों को रोके बीच में पीछे आ से. अच्छा मैंने आपकी इसमें आपने ये कहा है कि जो यहाँ से निकाला जा रहा है अटक से स्टार्ट होकर काफ़ी इलाका बनता है तो आपने इसमें किया था कि इसका जो ऑफिशियल कोई 30 करोड़ था और उससे कोई कम 30 करोड़ इसका ऑफिशियल बनता था और उससे कम पे ठेका दिया इस पे जरा आपकी बात तो मैंने की है हमने सुन भी ली है जरा साहब को रिस्पॉन्स करने दे जरा इस पे. जी डी सर मैं इसमें बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा. इसमें वो प्लेसेस थे बाकी बेसिकली ये स्टोन के सर पे थी तो इसको मैं शुरू से देख रहा था कि ये एक डुबियस एग्रीमेंट है. फिर मेरे पास कंप्लेंट्स हैं वो भी नहीं सेक्टर साहब मैंने सर ये भी तशरीफ लाए वो फिर फॉर्चुनेटली वी सक्सेस कैंसलेशन ऑफ दैट लीज सर वो लीज कैंसिल हो गई. लीज कैंसिल हो गई है. लीज हमने टेक ओवर कर ली है एंड इट्स फॉर कैंसलेशन ड्राइंग गोल्ड प्लस एंड एवरीथिंग. बट वो डीपी साहब बड़ी खास मेहरबानी सर वो 15 दिन पहले कैंसिल होने के बाद जाहिर कोई गैर कानूनी मफादात ले रहे थे वो अंग्रेजी में क्या हैबिट्स डाई हार्ड. हाँ तो उसमें सुने जरा एक दो दिन या कुछ दिन वो उसको और भी वो काम उसमें करते रहे फिर नोटिस लिया और उनको आपने रोक दिया. इसमें एक था आपकी बात हमने सुनी है मैंने आपके बाद और भी बहुत से लोगों को सुनी है. इस वक्त केस अदालत में है ठीक है अदालत उनके खिलाफ जो भी तादीबी करवाई देगी उनसे कोई पैसा वापस कमा देगी वो पुलिस और डीसी साहब उस पर अमल करवाएंगे. पुलिस और डीसी का काम था कि गैर कानूनी काम था उन्होंने आपके देने पे आपके खत लिखने पे उसको स्टॉप करवाया है. इस वक्त पुलिस भी वापस ले ली गई है इनके मुताबिक और इस वक्त उनको काम भी नहीं करा. अब फैसला अदालत में है अदालत को फैसला करना है. किसी आदमी को इस वक्त अकॉर्डिंग टू यू निकालने बताएं जरा क्या मसला है आपका. आपके हस्बैंड कौन हो गए हैं. अच्छा जी एक मिनट आए थे इस ब्रांड में क्या आपका अदालत में है ना तो फैसला तो रजाक साहब अदालत. अब आपको ये बताएं हमारे डीपीओ साहब भी बैठे हैं डीसी साहब भी बैठे हैं सारा जिला इनके नीचे है क्या करें मतलब फैसला तो अदालत ने करना ही.